फ्रेंड्स, जय माता दी एंड हैप्पी होली आप सबको। दोस्तों, फाइनली होली आ गई है। मन की एक खोली में रंग जाएं मिलकर हम तुम, रंगों की आज होली में तुम रंग देना मुझको। मेरा हृदय भी रंग जाए, कल तक जो शिकवे थे वो पानी में घुल जाए। दोस्तों, फाइनली होली आ गई है और होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। और दोस्तों, इस दिन भक्त प्रहलाद को याद करते हुए एक खास पूजा रखी जाती है। घर के सभी लोग इस खास पूजा विधि के साथ इस पूजा में शामिल होकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं और पूजन की तैयारियां आपको पहले करके रख लेनी है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानना बहुत जरूरी है। भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए उत्तम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का अभाव हो परंतु भद्रा मध्य रात्रि से पहले समाप्त हो जाए तो प्रदोष के पश्चात जब भद्रा समाप्त होती है तब होलिका दहन करना चाहिए। दोस्तों, इस बार होलिका दहन फागुन पूर्णिमा 12 मार्च के प्रदोष काल में होलिका दहन करने का विधान रहेगा। 12 मार्च को फागुन पूर्णिमा उदय व्यापनी है। 12 तारीख को ही भद्रा पूंछ रहेगी सुबह 4:21 से 5:33 और भद्रा मुख रहेगी 5:33 से 7:30 सुबह तक। अतः होलिका दहन के लिए शाम को 6:27 से 20:25 यानी रात को 8:25 तक शुभ बेला में होलिका दहन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको होलिका दहन 12 मार्च को करना है। आपको मैं बता दूं होलिका दहन की क्या क्या सामग्री आपको आहुति देनी है। जिन बच्चों वस्तुओं की आहुति दी जाती है दोस्तों, उसमें रोली, चावल, फूल, कच्चा सूत, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, नारियल, बड़कुल्ले, इसके अलावा सप्त धान, पके हुए चने की बालियां, गेहूं की बालियां, भुट्टे, चीनी के खिलौने, कच्चे आम आदि रखे जाते हैं। दोस्तों, पूजा विधि के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, किसी साफ और स्वच्छ जगह पे गोबर से लीप के उसके ऊपर रंगीन चावलों से, रंगीन अक्षत से एक चकोर मंडल बनाकर उसको अलंकृत करना है। पवित्र गंगा जल डाल के पहले उस स्थान को शुद्ध कर लेना चाहिए। और ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में हो। दोस्तों, सबसे पहले एक लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ नई फसल के धान, जैसे पके हुए चने की बालियां, गेहूं की बालियां भी सामग्री के रूप में रखी जाती है। होलिका के पास गोबर से बनी हुई ढाल और अन्य खिलौने भी रखे जाते हैं। होलिका दहन मुहूर्त समय में जल, मोली, फूल, गुलाब, गुड़ आदि से होलिका का पूजन करना चाहिए। गोबर से बनी हुई ढाल और खिलौनों की 4 माला अलग अलग से घर से सुरक्षित लेकर के आपको जानी है। इसमें से एक माला आपके पितरों के नाम की रहेगी, दूसरी हनुमान जी के नाम की, तीसरी शीतला माता के नाम की और चौथी अपने घर परिवार के नाम की होती है। किसी किसी के घर में जितने जेंट्स होते हैं उतनी माला उनके नाम की बन के जाती है। फिर कच्चे सूत से होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना होता है। लोटे से शुद्ध जल और अन्य पूजा की सभी वस्तुओं को एक एक करके होलिका में समर्पित कर देना है। रोली, अक्षत और पुष्प को भी पूजन में प्रयोग करना है। पुष्प का प्रयोग करते हुए पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद जल से अर्घ देना है।
सूर्य अस्त के बाद प्रदोष काल में होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, ये समय भद्रा के बाद का ही हो। अग्नि प्रज्वलित होते ही डंडे को बाहर निकाल लिया जाता है। यह डंडा भक्त प्रहलाद का प्रतीक होता है। इसके पश्चात नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें रोली, मोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद का स्मरण करते हुए भी जल, मोली, रोली, पुष्प आदि अर्पित करके भक्त प्रहलाद का आपको ध्यान करना है। सभी पुरुष रोली का टीका लगाते हैं और महिलाएं गीत गाती है। बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है और जो धान आप ले के गए हैं दोस्तों, वो आपको सेक कर घर लेकर के आना है एवं प्रसाद के रूप में वितरण करना है। इससे धन धान्य और समृद्धि हमारे घर पे आती है और होली के चारों तरफ 3 या 7 परिक्रमा होलिका दहन के बाद फिर से करना होता है। दोस्तों, होलिका दहन ध्यान रखें कि विधिवत रूप से होलिका का पूजन करने के बाद होलिका का दहन करना चाहिए और भद्रा के बाद ही करना है। भद्रा का विचार जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भद्रा के समय होलिका दहन करने से विशेष रूप से अशुभ घटनाएं घटने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा चतुर्दशी तिथि, प्रतिपदा में भी होलिका दहन नहीं किया जाता है और सूर्य अस्त से पहले भी नहीं करना है। होलिका दहन अपने शुभ मुहूर्त में किया हुआ बेस्ट होता है दोस्तों। दोस्तों, हिंदू वर्ष के अंतिम महीने फागुन की पूर्णिमा पर होली का त्यौहार मनता है और प्रमुख त्यौहार है हमारे देश का। इसका अनेक धर्म ग्रंथों में ये बात हमारी मिलती है। ये वैदिक पर्व भी है दोस्तों और श्रीमद् भागवत में नई फसल का एक भाग देवताओं को चढ़ाने का महत्व होने के कारण फागुन में हम होलिका में ये फसल डालते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम होलिकोत्सव हुआ। होली की एक कथा प्रहलाद व उसकी बुआ होलिका से भी संबंधित है। कथा मैं आपको बाद में बताती हूँ दोस्तों। धर्म अवलंबी आज भी इस कथा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में याद करते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से ये दिन मौसम में बदलाव का होता है। इस पर्व के कुछ दिन पहले ही वसंत ऋतु आरंभ होती है, जिसे प्रेम और नव चेतना की ऋतु माना गया है। होलिका उत्सव का आरंभ प्रमुख रूप से होलिका दहन से होता है और अगले दिन धुरेंडी मनाई जाती है। दोस्तों, धुरेंडी इस बार 13 मार्च सोमवार को रहेगी और भारत के कई भागों में उत्सव का यह सिलसिला चैत्र कृष्ण पंचमी तक चलता है, जिसे रंग पंचमी कहते हैं। हमारे समाज में, भारत के समाज में होली एकता का पर्व है, जिसे सभी नर नारी, बच्चे, बुजुर्ग, सभी जात पात के लोग बड़े उत्साह और उल्लास से मनाते हैं। आज के संदर्भ में वृक्षारोपण का महत्व को देखते हुए होलिका में लकड़ियों को जलाने के स्थान पे अपने मन में आपसी कटुता को जलाने का प्रयास करें, जिससे हम सब देश की उन्नति और विकास के लिए एकजुट होकर कार्य कर सके और हमारे भारत देश का पूरे विश्व में नाम हो सके। आज के समय की यही मांग है कि पेड़ जलाने के स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से हमारी जो मन में द्वेष भावना है वो जलाया जाए। जो बड़कुल्ले बोलते हैं या गोबर के जो उपले बोलते हैं, उसको हम जलाएं ताकि हमारी धरती को बचाया जा सके, हमारे भारत देश को बचाया जा सके। दोस्तों, ये बात आप सबको नहीं भूलनी है। प्लीज़ ये वीडियो सभी दोस्तों और अपने जो परिवार हैं उनसे तुरंत शेयर करें, व्हाट्सएप पे करें, ट्विटर पे करें, फेसबुक पे करें, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी प्रकार के क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। कथा मैं अलग से दूसरे वीडियो में बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पूरा ना सुनना पड़े फिर से, जब आप कथा सुनना चाह रहे हो होली की। इसलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर ना मिले तो होली की कथा
नाम से ब्रजनारी सुमी टाइप कर लें अपने यूट्यूब पे, तुरंत आ जाएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड हैप्पी होली वंस अगेन। जय माता दी। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का मैकबुक प्रो, एक सैमसंग का गैलेक्सी S6 एज और एक ली इको का ली 2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे, आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है, कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और ली इको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।